मेरे वालिद नहीं है, मेरा सिर्फ एक छोटा भाई है। पंजाब में वो घूमी है। मैं छोटी थी, बहुत ज्यादा छोटी थी, सड़कों पे घूमती रहती थी। माँ बाप मुझे बिल्कुल नहीं रखना चाहती थी। जमुनकोर एक मॉडल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेट चिल्ड्रन। हुकूमत की तरजीह इमरान खान की तरजीह और मेरी बैफियत इमरान खान को ज्यादा तरजीह है। जमुनकोर एक मॉडल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेट चिल्ड्रन, ये इमरान खान साहब ने बनाया था ये इंस्टीट्यूट। और मैं जब पहले बाहर था ना जमुनकोर इंस्टीट्यूट से, जब मैं बाहर था तो मेरे फाइनेंशियल कंडीशन जो थे ना वो थोड़ा कमज़ोर थे। मैं स्कूल और सबक के अखराजात पूरे नहीं कर सकता था, तो इसलिए वो मेरे वालिदैन ने डिसाइड कर दिया कि मैं आपको जमुनकोर इदारे में डाल लेता हूँ। वो एक ज़बरदस्त इदारा है और वहाँ आपको हर फैसिलिटी मिल जाएगी। जब पहले आया तो वो सुबह टाइम था, तो मैं उसने कहा कि नाश्ता किया है, मैंने कहा नहीं किया, तो उसने मुझे मिस लेके गया। वो तो जब मैं मिस में गया तो वो फैसिलिटीज़ देखकर मैं हैरान रह गया। सर्दी में डबल डबल वो रज़ाइयाँ, हर चीज़ बिल्कुल अच्छी है। और मैं और बच्चों को भी ये कहना चाहता हूँ, अगर वो गरीब है, अपना वो खर्चा नहीं निभा सकते, तो प्लीज़ आप यहाँ आइए, आपको यहाँ बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेंगे और इंशाल्लाह आप यहाँ से कुछ बन कर जाओगे। और कोई शिकायत नहीं है, माशाल्लाह से अच्छी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ है। ये गर्मियों में पंखे, कूलर पंखे, हर चीज़ वर्ल्ड क्लास है। और जब वज़ीर आला साहब आए तो बच्चे जो था ना वो सारे बेइंतहा खुश थे जब उसको देखा। और बस वज़ीर आला साहब भी इन बच्चों के साथ बहुत खुश था, अपने बाप की तरह इन बच्चों के साथ वो कोई गले लगाता कोई क्या। बहुत अच्छा वज़ीर आला साहब ने हमें बहुत अच्छी बातें भी की। और हर बच्चे के लिए जो है ना वो उसने अलहदा वो स्पोर्ट्स सामान भी लाया था अपने साथ, और बस अच्छी चीज़ें दी। और माशाल्लाह वो उन्होंने जो इंस्ट्रक्शंस दिए उस पर काम करेंगे और इंशाल्लाह कुछ बन कर दिखाएंगे। तो यहाँ तकरीबन 95% बच्चे जो है ना वो सारे स्पोर्ट्स में ही अच्छे और स्पोर्ट्स के साथ उनका शौक है। तो अभी आप ग्राउंड में देखे तकरीबन बहुत सारे बच्चे उधर खेल रहे, और मैं भी अभी वहाँ स्पोर्ट्स से आया हूँ। और ये देखे आप ये पसीना देख सकते हो, तो अभी क्रिकेट खेल के आया हूँ। तो मुझे अपने इस इदारे पर यकीन है कि इंशाल्लाह मैं कुछ बन कर दिखाऊंगा और इस इदारे का नाम और अपने मुल्क का नाम ज़रूर रोशन करूंगा। मेरा नाम मोहम्मद इब्रार है, मैं यहाँ पर SW का काम कर रहा हूँ। ये उन बच्चों का अपना घर है जो जिनका कोई नहीं होता, जिनकी कोई नहीं होता इस दुनिया में, उसका गवर्नमेंट ऑफ KPK होता है। अली अमीन गंडापुर की सरपरस्ती में हम ये जितनी भी चीज़ें हैं, मतलब ये उसकी सरपरस्ती में हो रही है। KP गवर्नमेंट सारी चीज़ें इनको प्रोवाइड कर रही होती है। ये वो बच्चे यहाँ पर रहते हैं जिनका कोई नहीं है, वो जा या तो वो रिस्क पे हो या स्ट्रीट पे हो। इस यहाँ पर हमारी इदारे में यहाँ पर बच्चों को हर वो फैसिलिटी मिलती है जो एक हाई फाई जो मतलब जितनी भी अच्छे इंस्टीट्यूशन है उसमें बच्चों को मिलती है। मतलब इसमें हर बच्चे को कपड़े वगैरह, स्कूल, मदरसा, मतलब टेक्निकल एजुकेशन वगैरह सब कुछ मिलता है जो हर एक बच्चे का ख्वाब होता है और हर माँ बाप का भी ख्वाब होता है। वो सारी चीज़ें हम उसको प्रोवाइड करते हैं। हमारे हॉस्टल की फैसिलिटी है वो क्योंकि सबसे बेस्ट फैसिलिटी है। हर बच्चे को अलग-अलग बेड मिलता है, बेड के दरमियान हम 3 फुट का स्पेस भी दे देते हैं। बेड मिलता है मेडिकेटेड, जो इसके मैट्रेस भी हैं वो सारे मेडिकेटेड होते हैं। बेडशीट, तकिया वगैरह सब कुछ उनको बच्चों को मिलता है। उसमें वॉशरूम्स वगैरह, बाथरूम्स वगैरह सब कुछ मिलता है। शैम्पू, साबुन, जितनी भी टॉयलेटरीज हैं वो सारे बच्चे को मिलती है। यहाँ पर हॉस्टल की जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो
आहिस्ता मतलब दिन ब दिन अच्छी होती जाती है। अली अमीन गंडापुर जो हमारा वज़ीर आला है वो तकरीबन महीने में एक दफ़ा आता है यहाँ पर बच्चों से मिलने के लिए, क्योंकि ये इमरान खान का इनिशिएटिव है, तहरीक इंसाफ का इनिशिएटिव है, तो इस वजह से वो इस बच्चों को अपने बच्चे समझते हैं और जब भी वो आते हैं तो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर आता है। जमान उमदे शुक्रिया और जे जमानकोर के उसी गवा जमानकोर के ढेर माशुमान दी तिमानान दी गरीबानान दिल तो उसीगी और जमुन कपड़े मपड़े स खुराक मरक के तम गढ़ेर ख मिलावेगी और तम गढ़ेर खुशहाल जमुन ग टीचरान ढेर जमुगा ढेर ज्यादा ख्याल साथी वडनान दी जमुन मोरियान पशान दी मुखसरा बच्चों पशान दी मीन मीन कई स्कूल के अला ओकेशनल सामान खाए ओकेशनल के मुँह दागुन डेकोरेशन करे रे बंगड़ी जोड़ावल बंगड़ी जोड़ो ले शो अर्स जोड़ो ले शो तम पीठ द ओकेशनल मैडम दागा मुँह तखाई और मुँह दी जी की माशाल्लाह ढेर ज्यादा खुशहाल और जी जमुगा ढेर ज्यादा ख्याल साथी और जी की जमुगा अर्स सस करी दा कमरा की सही दागुन मुँगा सस करी दमुगा माशुमान यू और जी क्यों और मुँह मैडम खाई और मुँह सजाऊँ दिल तो वजीर अला अख्तर नमक की रगल और मुँह सर फ्रॉम सुकू वे इनशाला पल मेहनत अर्स कवे इनशाला सुबह मेहनत न जया की गई और दी जिनब इनशाला डॉक्टरान कैप्टन نی ارس بدی زنا په خیر سره اوزی اول ته زمغه س ضرورت مونږه وزیالات او مونږه وډنان ته و وډنان نور دینه مشران ته وغه وزیالات او زمونږه هغه شی ضرور بیل ترازی زا غوجینه کوته میسج ور کوم کوم پر ډونو باندې ګرځي کباړ ارس را غونډه او نشی مشی کی کچا س کور کیس مسلې نو زمون کور ته راشي زمون ډیر زمون کور ډیر خوشاله خو خزے دے اول تا خوراک ماراک زمگا ارس ڈیر خ ملاوے گا وہ تو زر ریکویسٹ کو مطلب زمگا کور ادارے تارا شخا خوشحال ارس بے کپڑے مپڑے ارس بتا اس تا ڈیر خ ملاوے گی میرا نام بشرا ہے میرا تعلق افغانستان سے ہے میں ادھر زمگا کور میں پڑھتی ہوں جب ہم صبح اٹھے تو میں نماز پڑھتی ہوں پہلے پھر فریش ہو جاتی ہوں پھر اسکول جاتی ہوں ناشتہ کرتی ہوں پھر اسکول جاتی ہوں اسکول کے بعد پھر میں آتی ہوں پھر جب فریش ہو جاتی ہوں پھر مدرسے کی باجی آتی ہے ہم پھر سبق پڑھتے ہیں ہم ترجمہ پھر پڑھتے तो फिर जब सबक की छुट्टी हो जाए तो फिर हम थोड़ी देर खेलते हैं फिर थोड़ी सी फिर नमाज पढ़ते हैं बस फिर हम बस मेरे वालिद नहीं है मेरा सिर्फ एक छोटा भाई है और एक छोटा मामू है वो हमारे लिए ख़र्चा उठाता है। जब फिर मैं इधर आई हूँ दो साल पहले मैं इधर आई इधर से मैं इधर सबक पढ़े हूँ पर मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर हमें बहुत अच्छा खाना भी मिलता है स्पोर्ट की चीज़ें भी मिलती है यहाँ पर मदरसा भी मैं पढ़ती हूँ ओकेशनल भी सीखती हूँ हमें वो जो वजीर आला आया था उसने हमें क्या है डॉल्स भी गिफ्ट में दिए थे और सोलर का सिस्टम भी वो किया था और फिर हमें पैसे भी दिए। मैं बड़ी होकर कैप्टन बनूंगी और पाक फौज में जाऊंगी और इस पाकिस्तान मुल्क की हिफाजत करूंगी इंशाल्लाह।